आप कहाँ जा रहे हो? वाइग्रू पास गुरुद्वारा गुरुद्वारे गुरुद्वारा गुरुद्वारे में आए। गुरुजी का खालसा फतेह। गुरु नानक देव जी का यही संदेश था कि झूठ ना बोले कभी, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें। लास्ट 10 ईयर से हम लोग हर साल गुरुद्वारे ले जाते हैं बच्चों को और वह सिमरन करते हैं, बच्चे गुरु नानक जी का नाम लेते हैं जी। कि जैसे और त्यौहार मनाए जाते हैं वैसे गुरु नानक देव जी का भी एक दिन आता है, वो आज हम सेलिब्रेट करवाने बच्चों को गुरुद्वारे लेके जा रहे हैं। बच्चा चाहे जिस भी कास्ट का, उसे पता होना चाहिए कि उसके रिलीजन में कौन कौन सी चीज़ें हैं। हमने इन्हें यही बताया है, भगवान बहुत हैं पर काम सबका एक है। एक ओंकार का मतलब ये है एकता। जपो सत्य जोहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम ट्विंकलिंग स्टार प्ले स्कूल में आए थे और जहां हमने देखा कि गुरु पूरब है और गुरु पूरब के उपलक्ष में बच्चों को गुरुद्वारे ले जाया जा रहा है सिमरन करने के लिए। और आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे कैसे यहां पर गुरुद्वारे जाने के लिए निकले हैं एक साथ और वाहेगुरु नाम यहाँ पर जप रहे हैं। तो गुरुद्वारे की तरफ ये बच्चे जा रहे हैं और आपको पूरा दिखाते हैं कवरेज के बच्चे कैसे छोटे छोटे पैरों से, नन्हे नन्हे पैरों से गुरुद्वारे की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो आप लोग? कहाँ जा रहे हो? गुरु। आप कहाँ जा रहे हो? वाहेगुरु पास। वाहेगुरु के पास जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो? मैं जय करने। जय करने जा रहे हो? और बाकी सब बच्चे कहाँ जा रहे हैं? सब बच्चे पकने जा रहे हैं। चांदे चांदे की चांदे ना ऐसे की चांदे। मैडम क्या बोल रही है? मैडम ये के सशिकार। बाय गुरुजी का खालसा फतेह। बाय गुरुजी दी फतेह। चलो और भी बच्चे हैं यहाँ, बात करते हैं। आप कहाँ जा रहे हो? गुरुद्वारे। क्या करने जा रहे हो? वहाँ वो करने जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो? चलो और भी बच्चे हैं यहाँ पे, कहाँ जा रहे हो? गुरुद्वारा। गुरुद्वारा क्या करने जाते हैं? नहीं पता। चलो और यहाँ पे टीचर्स हैं, बात कर लेते हैं। क्या मैम आज यहाँ पर गुरुद्वारे बच्चों को लेके जाया जा रहा है, क्या कराने लेके जा रहे हैं गुरुद्वारे? मैम गुरु पूर्व का पर्व है तो हम बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए जैसे और त्यौहार मनाए जाते हैं वैसे गुरु नानक देव जी का भी एक दिन आता है, वो आज हम सेलिब्रेट करवाने बच्चों को गुरुद्वारे लेके जा रहे हैं। मतलब बच्चों को सिखाया गया है गुरु नानक देव जी के बारे में? हाँ जी हमने बच्चों को बताया कि गुरु जैसे हमारे भगवान जी हैं राम भगवान जी कृष्ण भगवान जी, ऐसे ही गुरु नानक देव जी भी एक भगवान जी हैं। कितने बच्चे होंगे मैम आज आप यहाँ पर लेके जा रहे हैं सबको? अप्रॉक्स 100। तो सभी बच्चे खुशी तैयार हो गए कि हाँ जाना है हमें? ऐसे ही बच्चों के साथ बहुत एक्साइटमेंट थी, उन्हें पता था कि हमें गुरुद्वारा जाना है। और बच्चा चाहे जिस भी कास्ट का, उसे पता होना चाहिए कि उसके रिलीजन में कौन कौन सी चीज़ें हैं। हर चीज़ के बारे में एक इम्पोर्टेंस होती है, एक मोरल मैसेज होता है जो उन्हें आज पता चलेगा। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे कैसे एक्साइटेड हैं पूरा गुरुद्वारे जाने के लिए। कहाँ जा रहे हो? गुरुद्वारे जा रहे हो? क्या करने जाते हैं गुरुद्वारा? नहीं पता है। आप क्या करने जा रहे हो? गुरुद्वारे जा रहे हैं। मतलब इतने क्यूट क्यूट बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। आप कहाँ जा रहे हो? गुरुद्वारा। क्या करने जाते हैं गुरुद्वारा? गुरुद्वारा। गुरु नानक देव जी कौन थे? भगवान जी। भगवान जी थे? गुरु नानक देव जी भगवान जी थे। तो ये
बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं आज गुरुद्वारे जाने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर संजीव मेहंदी रत्ता जी और प्रियंका मेहंदी रत्ता जी हैं। मैम, ये जानना चाहूँगी कि आज जो ये आप ऐसे यात्रा निकलवा रहे हैं, बच्चों के गुरुद्वारे लेके जा रहे हैं, तो कहाँ से ये आइडिया आया? मैम देखिए, आइडिया तो हमारे को लाने पड़ रहे हैं क्योंकि बच्चों को छोटा छोटा ये चीज़ें करा करके जब लाइव सेशंस होते हैं, इन्हें टीचिंग एड्स के थ्रू सिखाया जाता है, चाहे वो एकेडमिक वाइज हो या फिर सेलिब्रेशन हो, कोई भी संस्कृति संस्कार हो, तो जब तक लाइव ना कराएं तब तक ऐसे में बच्चों को आज की डेट में समझ नहीं आता, उन्हें बहुत बोरिंग मोनोटोनस सा लगता है कि क्या चीज़ बोल रहे हैं। तो हम लोगों ने यही बताया इनको कि गुरु नानक देव जी का बर्थडे होता है, ये जयंती होती है, इसको प्रकाश पर्व भी कहा जाता है और पूर्णिमा पर्व भी कहा जाता है। मतलब ये हमारा कार्तिक के महीने में आती है और बच्चों को बताया गया है कि नानक दुखिया सब संसार, सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कष्ट में जुटे हुए हैं, पर हमने बताया है कि आप भगवान का नाम लेंगे, अच्छे से नाम लेंगे, दिल से नाम लेंगे, तो आपको पॉजिटिविटी आएगी और आपके काम बनते रहेंगे। तो इन्हें बताया गया है कि गुरु नानक देव जी का यही संदेश था कि झूठ ना बोले कभी, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें और एक्सेट्रा। तो मैम, जैसे हम देख रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मतलब बहुत जल्दी बातें नहीं समझते, तो इन बच्चों को इतनी जल्दी समझ में आ जाता है कि ऐसे ऐसे भी है, गुरु नानक देव जी भी हैं, या मतलब और भी कोई मतलब प्रोग्राम्स हैं ऐसे? हमने इन्हें यही बताया है, भगवान बहुत हैं पर काम सबका एक है, एक ओंकार का मतलब ये है एकता, सब भगवान एक ही हैं। और ईयर बाय ईयर बच्चे समझते हैं, ऐसा नहीं है एक बार में समझ जाते हैं। तो मैं यही चीज़ कहती हूँ इन बच्चों को, जैसे जैसे कोई फेस्टिवल आता है, तो आप YouTube में कितनी सारी चीज़ें देखते हो, तो आप YouTube में उनकी स्टोरीज़ वगैरह देखेंगे तो आपको ज़्यादा उनके बारे में नॉलेज मिलेगी। जैसे हाँ, ये अभी आपने एक बताया कि YouTube में अलग तरीके की वीडियोस, गेम्स और कार्टून ये सब देखते हैं, तो ऐसा भी कुछ इनिशिएटिव आप अपने स्कूल में चला रहे हैं या आगे करना चाहेंगे कि बच्चों को एक दिन बिठा के मतलब सब भगवानों के बारे में उनकी जीवनी बताई जाए, दिखाई जाए? हम करते हैं, हमने YouTube में उनको स्क्रीन में दिखाया था, हमने स्मार्ट क्लास में दिखाया था कि गुरु नानक जी का क्या महत्व है, वो हमारे पहले सिख के पहले गुरु थे और उनको सब बताया गया है उनकी स्टोरी के बारे में। तो देखिए, एक बार में बच्चों को नहीं होता, जैसे आपने पहले प्रश्न पूछा था, तो धीरे धीरे ये सीख जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर, इतना अच्छा इनिशिएटिव आप लोग यहाँ चला रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ जो आप यहाँ पे आए, और जैसे गुरुपूरब होता है, आज 15 को गुरुपूरब है, तो उससे पहले हर साल हम लोग लास्ट 10 ईयर से हम लोग हर साल गुरुद्वारे ले जाते हैं बच्चों को और वह सिमरन करते हैं, बच्चे गुरु नानक जी का नाम लेते हैं जी, और बच्चों को बताया जाता है उनकी जीवनी के बारे में, बताया जाता है गुरु नानक जी की जीवनी के बारे में, और एक ओंकार का पाठ करवाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अभी गुरुद्वारे की तरफ चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि बच्चे कैसे गुरुद्वारे में बैठ कर सिमरन करते हैं।
अध्यक्ष में ट्विंकलिंग स्टार प्ले स्कूल्स में बच्चों को गुरुद्वारे लेकर आया गया और गुरु नानक देव जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में बच्चों को सिखाया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।